जी माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, मैं आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूँ कि इस कोर्ट में बार बार झूठ बोला जा रहा है और उसके में डॉक्यूमेंट डायरी आ जाए फिर देख लेंगे क्या सच है क्या झूठ। नहीं उससे की जरूरत पड़े नहीं, नहीं, वो प्रोसीजर की झूठ बोल रहे हैं माय लॉर्ड, ये लोग वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। वो मैं सर्टिफाइड कॉपी लेकर आया हूँ। इन्होंने 11 तारीख को कहा माय लॉर्ड की इनके पास वकालतनामा नहीं है। तो सब छोड़िए, अभी कम टू द पॉइंट है ना, फालतू बात मत करिए, डोंट वेस्ट द टाइम। क्या किया, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज टू बी डन, नाउ टेल मी दैट। माय लॉर्ड उसकी वजह से मुझे बहुत सफर करना पड़ रहा है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू माय लॉर्ड। आज डायरी नहीं है, उसके बिना सुनवाई नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड कि लोअर कोर्ट में जो चल रहा है उसको थोड़ा सा स्टे लगा दीजिए, क्योंकि वहां पिछली बार आपका आर्गुमेंट कंसीडर कर चुके, उसके बावजूद भी नहीं दिया है स्टे। आई रिमेंबर यू हैड प्रेड फॉर दिस प्रेयर ऑन दी, बट क्या हुआ सो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं माय लॉर्ड। मैं कोर्ट में प्रेजेंट था और मुझे एब्सकॉन्डर घोषित किया गया है माय लॉर्ड। मैं पेपर लेकर आया माय लॉर्ड। उस ऑर्डर को आपने चैलेंज नहीं किया है इस पिटीशन में, इसमें जो है ना चैलेंज वो देखें, ये उसके बाद किया गया है माय लॉर्ड। इस पिटीशन में तो वो चैलेंज नहीं है जी। आई कैन नॉट सी दैट ऑर्डर इन दिस पिटीशन। इसमें क्या रिलीफ है, क्या प्रेयर है, वो डिसाइड करेंगे माय लॉर्ड। मैं जब भी जाऊंगा वहां मुझे एब्सकॉन्डर घोषित कर देंगे बार बार। फिर तो आप उस ऑर्डर को चैलेंज करिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसमें वो नहीं देखा जाएगा। मिस्टर लर्नर काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 7 इज आल्सो डायरेक्टेड टू पॉजिटिवली फाइल रिप्लाई कॉमा इफ एनी कॉमा बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। दो हफ्ते की बाद की तारीख बताइए। मैं ले सकते हैं माय लॉर्ड 6/5/2024 नहीं दीदी माय लॉर्ड। स्टे के लिए क्या कर सकते हैं, आला है कैसे जी, कहाँ है प्रेयर आपकी स्टे की? हाँ मैं बताता हूँ, तो आपने पेज नंबर 19 ये तो फाइनल रिलीफ में मांगा है। फाइनल रिलीफ इंटरिम रिलीफ में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। तो